अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि अनम के घर वाले अनम की शादी फराज से करना चाह रहे हैं, क्योंकि फराज बहुत अच्छा शरीफ लड़का है, जिसके बाद अनम के पेरेंट्स उसे यही कहेंगे कि तुम्हारी शादी हम फराज से करें, तुम्हें कोई मसल सा या प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी अनम के दादा उसको बहुत ज़्यादा समझाते और यही कहते हैं कि फराज एक शरीफ और अच्छा इंसान है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। लेकिन अनम की ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा हैं। अनम यही कहती है उनसे कि ना उसके पास अपना घर बार है और ना ही उसके पास गाड़ी है, मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी। लेकिन अनम के दादा बहुत ज़्यादा समझाते और यही कहती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी में है, अब मज़ीद उनको परेशानी में मत डालो और रिश्ते के लिए हाँ कर दो और खामोशी से चुपचाप रहना उन लोगों के सामने। फराज की वालदा देखने के लिए आती हैं अनम को, यानी वो पसंद कर लेंगे अनम को, लेकिन उनको माहम ज़्यादा अच्छी लगेगी। उनके चले जाने के बाद अनम के घर वाले यही कहेंगे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनको माहम ज़्यादा पसंद आई है। माहम बहुत अच्छी सुलझी हुई लड़की और बहुत समझदार अच्छी सलीकेमंद लड़की है, इसी वजह से सब लोगों को पसंद आ जाती है, जबकि अनम जो है वो बिल्कुल भी इसमें कोई सलीका नहीं है। इसी वजह से अनम की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फराज की वालदा के चले जाने के बाद फराज को फ़ोन करते हैं अनम को, यही कहते हैं कि अनम क्या तुम इस रिश्ते के लिए राज़ी हो, तुम्हें वैसे किस किस्म के घर चाहिए और कैसा शोहर, तुमने तो अपना आइडियल बनाया हुआ था, तुम्हारे क्या ड्रीम्स हैं। जिसके बाद अनम यही कहेगी कि कम से कम तुम्हारे जैसे तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ना जिसके पास कोई घर हो ना कोई गाड़ी हो, मेरी ख्वाहिशात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हारे पे इंडिपेंडेंट में नहीं हो सकती। यानी फराज और अनम की बिल्कुल भी नहीं बन रही ना कोई इनकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन फराज और अनम की शादी होने जा रही है, फराज बहुत अच्छा इंसान है, बहुत खुश रखेगा अनम को, लेकिन अनम की जो ख्वाहिशात हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो उसको इस किस्म के इंसान से शादी करने में बहुत मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि अनम और फराज की शादी हो जाने के बाद अनम की जो छोटी बहन है माहम, वो बहुत अच्छे घर को अच्छे तरीके से संभालेगी, लेकिन उसकी जो ताई अम्मी होंगी उन पे कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी जिसकी वजह से वो सोचेंगी कि चलो माहम को मैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए कह दूँगी, लेकिन वो भी राज़ी नहीं होंगे। यानी अनम की ताई अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में घिर जाएंगी, ये सब कुछ उनका ही किया धरा है। यानी जो कुछ उन्होंने अपना सूदी निज़ाम सूदी कारोबार चला रही हैं, इसी वजह से उन पे इतने वबाल इतने मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसी हवाले से ये ड्रामा नाज़रीन वबाल रखा गया है, क्योंकि जो अनम की ताई अम्मी है कुछ ऐसा कारोबार करती है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बन गई है। आपको ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने हमारे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि अनम के घर वाले अनम की शादी फराज से करना चाह रहे हैं, क्योंकि फराज बहुत अच्छा शरीफ लड़का है, जिसके बाद अनम के पेरेंट्स उसे यही कहेंगे कि तुम्हारी शादी हम फराज से करें, तुम्हें कोई मसल सा या प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी अनम के दादा उसको बहुत ज़्यादा समझाते और यही कहती हैं कि फराज एक शरीफ और अच्छा इंसान है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। लेकिन अनम की ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा हैं। अनम यही कहती है उनसे कि ना उसके पास अपना घर बार है और ना ही उसके पास गाड़ी है, मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी। लेकिन अनम के दादा बहुत ज़्यादा समझाते और यही कहती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी में है, अब मज़ीद उनको परेशानी में मत डालो और रिश्ते के लिए हाँ कर दो और खामोशी से चुपचाप रहना उन लोगों के सामने। फराज की वालदा देखने के लिए आती हैं अनम को, यानी वो पसंद कर लेंगे अनम को, लेकिन उनको माहम ज़्यादा अच्छी लगेगी। उनके चले जाने के बाद अनम के घर वाले यही कहेंगे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनको माहम ज़्यादा पसंद आई है। माहम बहुत अच्छी सुलझी हुई लड़की और बहुत समझदार अच्छी सलीकेमंद लड़की है, इसी वजह से सब लोगों को पसंद आ जाती है, जबकि अनम जो है वो बिल्कुल भी इसमें कोई सलीका नहीं है। इसी वजह से अनम की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फराज की वालदा के चले जाने के बाद
फराह उसको फोन करते हुए अनम को यही कहता है कि अनम क्या तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो, तुम्हें वैसे किस किस्म के घर चाहिए और कैसा शोहर, तुमने तो अपना आइडियल बनाया हुआ था, तुम्हारे क्या ड्रीम्स है। जिसके बाद अनम यही कहेगी कि कम से कम तुम्हारे जैसे तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ना जिसके पास कोई घर हो ना कोई गाड़ी हो, मेरी ख्वाहिशात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हारे पे इंडिपेंडेंट में नहीं हो सकती। यानी फराज और अनम की बिल्कुल भी नहीं बन रही ना कोई इनकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन फराज और अनम की शादी होने जा रही है, फराज बहुत अच्छा इंसान है, बहुत खुश रखेगा अनम को, लेकिन अनम की जो ख्वाहिशात हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो उसको इस किस्म के इंसान से शादी करने में बहुत मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि अनम और फराज की शादी हो जाने के बाद अनम की जो छोटी बहन है महम वो बहुत अच्छे घर को अच्छे तरीके से संभालेगी, लेकिन उसकी जो ताई अम्मी होंगी उन पे कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी जिसकी वजह से वो सोचेंगी कि चलो महम को मैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए कह दूँगी, लेकिन वो भी राजी नहीं होंगे। यानी अनम की ताई अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में घिर जाएंगी। ये सब कुछ उनका ही किया धरा है, यानी जो कुछ उन्होंने अपना सूदी निज़ाम सूदी कारोबार चला रही हैं इसी वजह से उन पे इतने वबाल इतने मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसी हवाले से ये ड्रामे ने आज वबाल रखा गया है, क्योंकि जो अनम की ताई अम्मी है कुछ ऐसा कारोबार करती हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बन गई है। आपको ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने मेरे चैनल पर तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि अनम के घर वाले अनम की शादी फराज से करना चाह रहे हैं, क्योंकि फराज बहुत अच्छा शरीफ लड़का है। जिसके बाद अनम के पेरेंट्स उसे यही कहेंगे कि तुम्हारी शादी हम फराज से करें, तुम्हें कोई मसलन सा ये प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी अनम के दादा उसको बहुत ज़्यादा समझाती और यही कहती हैं कि फराज एक शरीफ और अच्छा इंसान है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। लेकिन अनम की ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा हैं। अनम यही कहती है उनसे कि ना उसके पास अपना घर बार है और ना ही उसके पास गाड़ी है, मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी। लेकिन अनम के दादा बहुत ज़्यादा समझाते और यही कहती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी में है, अब मज़ीद उनको परेशानी में मत डालो और रिश्ते के लिए हाँ कर दो और खामोशी से चुपचाप रहना उन लोगों के सामने। फराज की वालदा देखने के लिए आती है अनम को, यानी वो पसंद कर लेंगे अनम को, लेकिन उनको महम ज़्यादा अच्छी लगेगी। उनके चले जाने के बाद अनम के घर वाले यही कहेंगे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनको महम ज़्यादा पसंद आई है, महम बहुत अच्छी सुलझी हुई लड़की और बहुत समझदार अच्छी सलीकेमंद लड़की है, इसी वजह से सब लोगों को पसंद आ जाती है। जबकि अनम जो है वो बिल्कुल भी इसमें कोई सलीका नहीं है, इसी वजह से अनम की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फराज की वालदा के चले जाने के बाद फराज उसको फ़ोन करते हैं अनम को यही कहते हैं कि अनम क्या तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो, तुम्हें वैसे किस किस्म के घर चाहिए और कैसा शोहर, तुमने तो अपना आइडियल बनाया हुआ था, तुम्हारे क्या ड्रीम्स है। जिसके बाद अनम यही कहेगी कि कम से कम तुम्हारे जैसे तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ना जिसके पास कोई घर हो ना कोई गाड़ी हो, मेरी ख्वाहिशात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हारे पे इंडिपेंडेंट में नहीं हो सकती। यानी फराज और अनम की बिल्कुल भी नहीं बन रही ना कोई इनकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन फराज और अनम की शादी होने जा रही है, फराज बहुत अच्छा इंसान है, बहुत खुश रखेगा अनम को, लेकिन अनम की जो ख्वाहिशात हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो उसको इस किस्म के इंसान से शादी करने में बहुत मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि अनम और फराज की शादी हो जाने के बाद अनम की जो छोटी बहन है महम वो बहुत अच्छे घर को अच्छे तरीके से संभालेगी, लेकिन उसकी जो ताई अम्मी होंगी उन पे कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी जिसकी वजह से वो सोचेंगी कि चलो महम को मैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए कह दूँगी, लेकिन वो भी राजी नहीं होंगे। यानी अनम की ताई अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में घिर जाएंगी। ये सब कुछ उनका ही किया धरा है, यानी जो कुछ उन्होंने अपना सूदी निज़ाम सूदी कारोबार चला रही हैं इसी वजह से उन पे इतने वबाल इतने मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसी हवाले से ये ड्रामे ने आज वबाल रखा गया है, क्योंकि जो अनम की ताई अम्मी है कुछ ऐसा कारोबार करती हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बन गई है। आपको ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही है
आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि अनम के घर वाले अनम की शादी फराज से करना चाह रहे हैं क्योंकि फराज बहुत अच्छा शरीफ लड़का है, जिसके बाद अनम के पेरेंट्स उसे यही कहेंगे कि तुम्हारी शादी हम फराज से कर रहे हैं, तुम्हें कोई मसल सा या प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी अनम के दादा उसको बहुत ज़्यादा समझाती और यही कहती है कि फराज एक शरीफ और अच्छा इंसान है, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। लेकिन अनम की ख्वाहिशात तो बहुत ज़्यादा हैं। अनम यही कहती है उनसे कि ना उसके पास अपना घर बार है और ना ही उसके पास गाड़ी है, मुझे ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी। लेकिन अनम के दादा बहुत ज़्यादा समझाती और यही कहती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी में है, अब मज़ीद उनको परेशानी में मत डालो और रिश्ते के लिए हाँ कर दो और खामोशी से चुपचाप रहना उन लोगों के सामने। फराज की वालदा देखने के लिए आती है अनम को, यानी वो पसंद कर लेंगी अनम को, लेकिन उनको माहम ज़्यादा अच्छी लगेगी। उनके चले जाने के बाद अनम के घर वाले यही कहेंगे कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनको माहम ज़्यादा पसंद आई है। माहम बहुत अच्छी सुलझी हुई लड़की और बहुत समझदार अच्छी सलीकेमंद लड़की है, इसी वजह से सब लोगों को पसंद आ जाती है, जबकि अनम जो है वो बिल्कुल भी उसमें कोई सलीका नहीं है। इसी वजह से अनम की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। फराज की वालदा के चले जाने के बाद फराज उसको फ़ोन करते हैं अनम को, यही कहते हैं कि अनम क्या तुम इस रिश्ते के लिए राज़ी हो, तुम्हें वैसे किस किस्म के घर चाहिए और कैसा शोहर, तुम्हें को अपना आइडियल बनाया हुआ था, तुम्हारे क्या ड्रीम्स थे। जिसके बाद अनम यही कहेगी कि कम से कम तुम्हारे जैसे तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ना जिसके पास कोई घर हो ना कोई गाड़ी हो, मेरी ख्वाहिशात जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हारे पे इंडिपेंडेंट में नहीं हो सकती। यानी फराज और अनम की बिल्कुल भी नहीं बन रही ना कोई इनकी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन फराज और अनम की शादी होने जा रही है, फराज बहुत अच्छा इंसान है, बहुत खुश रखेगा अनम को, लेकिन अनम की जो ख्वाहिशात हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उसको इस किस्म के इंसान से शादी करने में बहुत मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि अनम और फराज की शादी हो जाने के बाद अनम की जो छोटी बहन है माहम, वो बहुत अच्छे घर को अच्छे तरीके से संभालेगी, लेकिन उसकी जो ताई अम्मी होंगी उन पे कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी जिसकी वजह से वो सोचेंगी कि चलो माहम को मैं अपने बेटे के रिश्ते के लिए कह दूँगी, लेकिन वो भी राज़ी नहीं होंगे। यानी अनम की ताई अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा मुसीबत में घिर जाएंगी, ये सब कुछ उनका ही किया धरा है। यानी जो कुछ उन्होंने अपना सूदी निज़ाम सूदी कारोबार चला रही हैं, इसी वजह से उन पे इतने वबाल इतने मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसी हवाले से ये ड्रामा नाज़रीन वबाल रखा गया है क्योंकि जो अनम की ताई अम्मी है कुछ ऐसा कारोबार करती हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो अजाब बन गई है। आपको ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड कैसी लग रही हैं आपने अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।